गेरुआ बस पहन लीजिएगा, भगवा बस पहन लीजिएगा और राम नाम जपते रहिएगा, तो भगवान भी जानते हैं कि असली कौन है नकली कौन। काम किया है उसका पैसा दो दो साल से बकाया है, वो देंगे कि नहीं देंगे, तो तेरह तरह का बात बोलते हैं, इस पर न उनको कहीं आने के लिए। जो विभाग हमारा है उसके बारे में ना उनको बताने कहिए, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, अब बिहार के कृषि मंत्री हैं, अब बिहार के गरीब हवा पी के रहेगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे द केरला स्टोरी। मूवी को लेकर अब नई मांग उठ रही है कि इसको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। यूपी और मध्य प्रदेश में मूवी को टैक्स फ्री किया जा चुका है, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने को मूवी को बैन कर दिया। अब इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भी चिट्ठी लिखा और कहा है कि बिहार में भी द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री कर देना चाहिए। इसी को लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि गिरिराज सिंह तो सिर्फ लव जिहाद की बात करते हैं, जो विभाग है अपने विभाग पर ध्यान नहीं देते, जब से बिहार के जो मुद्दे हैं उनको क्यों नहीं उठाते। केंद्र में मंत्री बने हैं तब से लेकर अभी तक बिहार के लिए क्या कुछ किया है, खूब सुनाए हैं गिरिराज सिंह को। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार। टैक्स फ्री करिए, ये तो अलग बात है, लेकिन उनको कहिए, ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं, बड़ी अपेक्षा उम्मीद थी बिहार के लोगों का कि बिहार के मंत्री हैं ग्रामीण विकास, जरूर बिहार के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में जरूर कोई ना कोई ऐसा निर्णय लेंगे जिससे बिहार के गरीब के चेहरे पर खुशहाली आएगी। पूरा बीजेपी इसी मुहिम में लगा है कि सिनेमा को टैक्स फ्री कर दिया जाए। अब है बीजेपी का कौन काम है, दे दो राम दिला दो राम, तो राम के यहाँ भक्ति करिएगा बढ़िया से तब ना मिलेगा, कि ऊपरे ऊपरे पूजा खाली बस बदल लीजिएगा, गेरुआ बस पहन लीजिएगा, भगवा बस पहन लीजिएगा और राम नाम जपते रहिएगा, तो भगवान भी जानते हैं कि असली कौन है नकली कौन है। नकली पूजा से उनका कुछ बनने वाला इस बार नहीं है, असली पुजारी हम लोग हैं, हमें लोग देश को सही दिशा में ले जाएंगे, गरीबों का भला ही करेंगे और देश की प्रगति का। वो बहुत बड़े नेता हैं, उनके विभाग में बिहार के लिए कुछ एजेंडा है कि नहीं ये पूछिए उनसे। जब प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं तो ये जब से मंत्री बने हैं तब से एक आवास बिहार के गरीबों के लिए इन्होंने लक्ष्य नहीं दिया बिहार को। मनरेगा में 1500 करोड़ रुपया बकाया है, अभी तक उनके जवान नहीं हिलते हैं कि ये गरीब का जो पैसा है, बिहार की त्रिस्तरीय पंचायतों के जो काम किया है उसका पैसा दो दो साल से बकाया है, वो देंगे कि नहीं देंगे, तो तेरह तरह का बात बोलते हैं, इस पर ना उनको कहीं आने के लिए। जो विभाग हमारा है उसके बारे में ना उनको बताने कहिए, जिस विभाग के वो मंत्री हैं, अब बिहार के कृषि मंत्री हैं, अब बिहार के गरीब हवा पी के रहेगा, बिहार के गरीब को दो साल 2018-19 में एक भी लक्ष्य आवास का नहीं मिला और 2022-23 में भी एक लक्ष्य भी नहीं मिला और अभी नया साल शुरू हुआ है इसमें भी एक लक्ष्य नहीं मिला है, तब प्रधानमंत्री आवास का लक्ष्य कहिए निर्धारित करने के लिए। अब मनरेगा का जो पैसा बकाया है वो कब देंगे इसके बारे में पत्रकार बंधु अगर आप लोग बिहार के हित में सोचते हैं तो ज़रूर सवाल पूछिएगा, तो कभी मंदिर का, तो कभी मस्जिद का, तो कभी लव जहाज का, तो कभी इधर का, तो कभी उधर का, इस तरह से बात करके कन्नी काटने से 2024 उनका पार लगने वाला नहीं है। बेगूसराय में अभी इतना ज़बरदस्त ढंग से पालकी रखाएगा कि हिलेगा भी नहीं, वहीं पर वहीं रह जाएगा उनकी पालकी। तो आपने देखा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर खूब बरस रहे हैं श्रवण कुमार, साफ तौर से कह रहे हैं कि सिर्फ लव जिहाद की बात करते हैं, मनरेगा में जो पैसा फंसा हुआ है उसकी क्यों नहीं बात करते, जब से मंत्री बने बिहार के लिए क्या कुछ किया है। नीतीश कुमार को चिट्ठी जो लिख रहे हैं मूवी को द केरला स्टोरी को लेकर के टैक्स फ्री करना चाहिए, इन चीजों को छोड़कर बिहार के मुद्दों को उठाए, केंद्र में मंत्री हैं, तो देखा किस तरीके से श्रवण कुमार गिरिराज सिंह पर जमकर बरसे हैं और खूब सुनाया है। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।